मानस है उसको बदले, क्या शिकायत आपकी थी और क्या उससे? देखिए शिकायत क्या थी, ये शिकायत तो साधारण समय में भी हो सकती है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं, और जब चुनाव का समय आता है तब तो और भी ऐसा नहीं होना चाहिए और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वो इस बात को लेकर लगा रहे हैं जिससे कि हमारे समाज में बंटवारा हो जाएगा, हम जो भी कहें ये सोच समझ के कहें और शब्दावली हमारी ऐसी हो कि उससे हम बीच में आम जनता के बीच में कोई खाई ना डालें, चाहे जात का हो या धर्म का हो या कोई और विशेष बात हो, उसको लेकर जनता के बीच में कोई खाई नहीं पैदा करनी चाहिए ताकि जनता अपना निर्णय जो है वो एक समूचे निर्णय अपना सुना सके और उस निर्णय को लेकर लोकतंत्र को आगे बढ़ा सके। इसमें अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जो लोगों का ध्यान बांटकर और पोलराइजेशन की तरफ बढ़ा देती है तो वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये हमने जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। आप लोगों का ये कहना है तब से सरकार खुद भाजपा पार्टी के तौर पर घबराई हुई है। इधर एनसीईआरटी कमेटी ने जो एक रिकमेंडेशन दिया है उसमें कहा गया है कि जो स्कूल के पाठ्य पुस्तक है उसमें इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की गई है। तो स्कूल को स्कूल कह सकते हैं, पाठशाला नहीं कहते, लेकिन भारत को इंडिया नहीं कह सकते, जबकि हमारे संविधान में ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। और हमने अपने संगठन में हमने संकल्प किया है वो यही है कि भारत जीतेगा, इंडिया अलायंस है और इंडिया जुड़ेगा और भारत जीतेगा। तो जो इंडिया को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने अलायंस को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश को भी, इंडिया को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया और भारत भी जुड़े रहें, दोनों जुड़े रहें, दोनों ही एक ही बात है। बल्कि मैंने तो कल ये भी कहा कि इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। हम जब जय हिंद कहते हैं तो हम हिंदुस्तान याद करते हैं, जब जय भारत कहते हैं तो भारत को याद करते हैं, और इंडिया विल विन जब कहते हैं तो इंडिया को याद करते हैं। सर, आजम खान साहब के पूरे परिवार ने जान को भी खतरा बताया था, आज यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलेंगे और अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। अजय राय का मिलना तब, जबकि मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच थोड़ी कहासुनी हुई थी और आज कांग्रेस के अध्यक्ष उनसे मिलेंगे। देखिए वो शिष्टाचार में कांग्रेस के अध्यक्ष जा रहे हैं, इसमें इसको आप कोई एक राजनीतिक एक वो मत समझिए, संकेत मत सोच समझिए, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अब संबंध अच्छे हैं, हम एक साथ हैं, इंडिया अलायंस में एक साथ हैं, तो इसलिए एक दूसरे के किसी नेता पर अगर कोई ऐसा बुरा समय आता है तो उसमें सहानुभूति दिखाना और उसमें सपोर्ट दिखाना ये हमारा दायित्व बनता है। मैं समझता हूँ इसी को देखकर अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है। एक सर आखिरी सवाल है, कल 6 घंटे किए, जो वहां की सत्तासीन पार्टी है वो कहती है कांग्रेस को सत्ता से काफी दूर है और कांग्रेस काफी मंथन कर रही है, एक एक सीट पर विचार कर रही है, तो क्या माना जाए तेलंगाना को? हम जब लड़ते हैं चुनाव तो हम ये मान के लड़ते हैं कि हमें ये चुनाव जीतना है, इस विश्वास के साथ और इस उत्साह के साथ हम लड़ते हैं। तेलंगाना में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत दिन तक अच्छी नहीं रही, लेकिन पिछले 3-4-6 महीने में ये देखा गया कि वहां पर उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं का बढ़ रहा है और जो आम लोगों की राय बन रही है उससे ये साफ दिखता है कि अब कांग्रेस अपना वर्चस्व, खोया हुआ वर्चस्व तेलंगाना में फिर से पा गई है।